हेलो दोस्तों, आज कावड़ यात्रा निकलने वाली है। हाँ मैं ही बेटा वैष्णव। थैंक यू भाई। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है आपके? नए ब्लॉग में आपका स्वागत है भाई। अभी का टाइम हो रहा है 11 और हम लोग जा रहे हैं मंदिर पे। मेरे साथ है पुनित। आजा भाई, तू हम दोनों जा रहे हैं, चलते हैं। और आज कावड़ यात्रा निकलने वाली है, इसमें बड़े रेडी होकर बैठा हूँ। अभी बस जितन का इंतजार कर रहे हैं, उसके आने के बाद फिर निकलते हैं। A few minutes later. तो आ गए हम लोग। और भाई हवा इतनी तेज चल रही है जिसकी वजह से पता नहीं क्यों भयंकर हवा चल रही है। मेरा कुर्ता रहा इधर उधर बदल रहा, फिर रहा पूरा उड़ रहा वाला एक तरीके से। तय कर दिया अपन अपनी बाइक पार्क और चलते अंदर। हम लोगों ने कर लिए दर्शन वगैरह और अभी हम लोग पीछे साइड में नदी देखो भाई, कितनी पुल आ रही है यार। खा डैम मतलब ये ना जो पुल है, ये पुल है ना, वो लगता था बहुत बड़ा था। अरे छोटा लग रहा है, मतलब पानी इतना फुल हो गया उसमें। हवा यार, बादल देखो, आज भी बारिश आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे भक्त लोग आज भक्त में लीन होते तो नाचेंगे, नहाने के साथ मतलब सब लोग क्या भीग जाएंगे ना यार अच्छे से बारिश में। देखते हैं बारिश आती नहीं आती, महादेव अगर रोक दे बारिश तो नहीं आएगी। बेसार रखी जाते हैं कि बादल तो लग रहे हैं यार। और कल रात तो भाई जो बारिश हुई ना खतरनाक, मतलब रुकी नहीं पाती है, मानो बहुत बारिश हुई रात भर। बंजारा डैम तो फुला रहा होगा तगड़ा वाला। अभी तो नहीं जाए फिर बंजारा डैम देखने, अभी तो जीतन आने वाला है, तो अपन घर चलते हैं जल्दी से। तो हम लोग घर से निकल रहे हैं भाई अब कावड़ यात्रा में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ से रवाना हो चुकी है यात्रा। अभी मेरे अपने दोस्त की एक स्नैप देखी है तो वो लोग वहाँ से रवाना हो गए, हम लोग जीतन की वजह से लेट हो गए। वरना मैं तो वहाँ पर 11 बजे पहुँचने वाला था और अभी 11:45 हो गई, 12 बजने में 15 मिनट रहेगा भाई, हम लोग तो निकलते हैं यहाँ से अब। चलो भाई मिल गया हमको जितेन भाई, तू बहुत जल्दी आया यार, क्या रट्टा मत पूछे भाई, हर हर महादेव। चलो चलते भाई। इधर बन रहा भाई वाटर पार्क, रुको अभी दिखाता हूँ। चार गाय पोते देख लेंगे फिर अंदर से। ये बन रहा भाई वाटर पार्क इधर, जितने नहीं है वाटर पार्क तो बन गया लेकिन चल लू होते खत्म हो गया, इतना सा है बस, ज्यादा बड़ा नहीं है। कोई ना, पर कम सिटी के रास्ते बनाया, बजट कम था थोड़ा लेकिन चलेगा बहुत ज्यादा। इतने कह रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा चलेगा। अगर जिसका भी है वाटर पार्क है वो देख रहा हो तो प्लीज एक बार तो फ्री में मजा। मैं प्रमोशन कर दूंगा बल्कि तुम्हारा, पूरा सोपर वाले जान जाएंगे, वीडियो बूस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख रहे हो ना तो ये बता भी देना कि आप कहाँ है, ठीक है ना, कमेंट में कमेंट में। और अब चलते हैं नागदा, चलो चले नागदा। छाते पे चढ़ा दे, नहीं छाते पे रख दो उसके आगे। लो भाई यहाँ मेरा लगता स्टार्ट हो चुका है और कावड़ भी आ गई है आगे। जाएगा भाई कावड़ अभी सेंट पेस पे आइए बस।
इतना। थैंक यू भाई। हेलो, देवा पागी, देवा
तो भाई हम लोग आ गए अभी कहाँ पर पंडित घाट आ गए और अभी चलते हैं अंदर और वहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे घर की तरफ। भाई थक गया बहुत गंदा वाला आपसे यार, ऊपर से बर्फ अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले अपन दर्शन करके आते हैं फिर बालाजी वाले मंदिर में चल के वहाँ बैठेंगे। वहाँ से तो हम लोग आ गए बालाजी के दर्शन करने के लिए। भाई रात में पानी आया ना, पूरा पानी भर गया था यहाँ तक में तो अच्छे से। सो गाइस वी आर बैक टू होम, आ गए घर पे वापस। और भाई आज जो थके ना, जो हमारी हालत खराब हो रही है बहुत खतरनाक वाली, मैं आके खाना नहीं खाया, मैं सिर्फ फलाहार करके सो गया था। भाई फास्ट तरह अभी खाना वगैरह खाया और मैं सोने सोने भी गया था आरती में, तो वहाँ से भी आ गए हम लोग। जितिन आ गया था तो हम चले गए थे सोने सर आरती में, मज़ा आया भाई फुल आरती में तो। और ये वाला ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बता दे रहा, ये तो अपना डेली ब्लॉगिंग है day 5, और भी अब ब्लॉग आने वाले हैं मस्त मस्त, तो उसका वेट करो। और ये वाला ब्लॉग करना मैं एंड करते कि मेरी ज़्यादा हिम्मत नहीं रही बोलने की, मेरा हाथ पाँव बहुत भयंकर दुख रहा है, मैं जा रहा हूँ फ्लाइट मोड पर। चलो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, बाय बाय।